हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सी एस सी ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम जिला अदालत करनाल भर्ती 2023 के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल के फॉर्म के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर निकाली गई है आपकी वैकेंसी ओनली 10th पास से। सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिल रही है इसमें। ऑफलाइन फॉर्म है आपका, कैसे कैसे भरना है, कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तों। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहे वीडियो पे, पूरा देखिए वीडियो को, जब भी आपको पता चल पाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल की भर्ती के बारे में। दोस्तों दोस्तों अगर अभी तक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का निशान दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगी। और जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट दिखाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आए आपको। तो चलते हैं, फिर आपको बताते हैं बिहार जिला अदालत करनाल भर्ती 2023 के बारे में। दोस्तों, कैसे आपको फॉर्म मिलेगा, कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। तो ये इसका जो है नीचे आएगी जब आप, तो इसका ये थोड़ा सा फॉर्म है, छोटा सा। यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम लिखना है। पोस्ट आपकी जो है, दो ही पोस्ट आपकी दे रखी है, एक तो है प्रोसेस सर्वर की और एक है प्योन की। तो दो पोस्ट आपकी दे रखे हैं, जो प्रोसेस सर्वर की है वो 11 पोस्ट है और प्योन की आपकी 32 है। तो जब आप नीचे आओगे तो नीचे आने बाद यहाँ पे आपको जिस पोस्ट के यहाँ पे भरना है उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल सिंपल तरीका है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको नाम डालना है, पिताजी का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है आपको। जेंडर डालने बाद उसके बाद नीचे आएगा, नीचे आने बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, परमानेंट एड्रेस है आपका। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है, कम्युनिकेशन ऑर्डर, अगर आपका परमानेंट एंड कम्युनिकेशन एक है तो दोनों में एक साइड डालिए। उसके बाद आता है आपका एड्रेस, नेशनलिटी नेशनल इंडियन इंडियन। उसके बाद आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी आप डालेंगे। उसके बाद जाति आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद सर्विस मैन है तो यस, या एक्स सर्विस, अगर आपने कोई सर्विस वर्विस की है एक्स सर्विस है तो यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसके जो है ऑफिस में जाके जमा करना है, नहीं तो आप इसे पोस्ट स्पीड पोस्ट भी यहाँ पर देख सकते, कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट द सिलेक्शन जिन करनाल नोटिस इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रोसेस सर्वर द प्योन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सिलेक्शन जनरेट करनाल नोटिस इनवाइट द, यहाँ पे लिख रहा है एप्लीकेशन इनवाइट फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फिल यूपी द फॉलोइंग पोस्ट द प्रोसेस सर्वर एंड प्योन प्रोबली ऑन द टेम्परेली बट ऑन द रेगुलर बेस एंड द डिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो है आपकी जो है ये जो है मतलब कि रेगुलर है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, बाकी बाकी आपका रेगुलर हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दो पोस्ट आपकी निकाली गई, एक प्योन की है एक आपके सर्व प्रोसेस सर्वर की है। तो जो प्योन में पोस्ट आपकी निकाली गई है वो आपकी देख सकते हैं, यहाँ पे 11 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, बाकी सैलरी की बात करें तो सैलरी भी आपको 16,000 से लेकर 53,000 के बीच आपको सैलरी मिलती है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी, यहाँ पे अलग अलग दे रखी है वैकेंसी आपकी, देख सकते हैं यहाँ पे जनरल की 5 है और यहाँ पे इसकी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है दोस्तों, रेगुलर बेस है आपकी, प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी आपकी देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएगा, नीचे आने बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपकी जो दूसरी वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी निकाली गई है प्योन की। प्योन में आपकी काफ़ी अच्छी, यहाँ पे देख सकते हैं 32 पोस्ट आपकी निकाली गई है। यहाँ पे सैलरी भी आपकी सेम है, 16,000 से लेकर 53,000 के बीच आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी और ये भी रेगुलर बेस पे है आपकी। ठीक है दोस्तों, प्योन की है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो यहाँ पे वैकेंसी की बात करें, यहाँ पे जनरल की 14 है, जनरल की 14 वैकेंसी आपके दे रखे हैं यहाँ पे, और इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। इसमें जनरल की 1, BCA 1, BCB 1, BCA 1, SC 1,
तो इस तरह से आपकी यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे दे रखी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ओनली हाई स्कूल से यहाँ पे निकाली गई है, दोनों हाई स्कूल से आपकी भर्ती है, तो दोनों आप हाई स्कूल से इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। फॉर्म कुछ नहीं भरना, बस यहाँ पे जो है ये दे रखा है, ये इसे आप भरेंगे और इसे या तो इसके ऑफिस में जमा करोगे डायरेक्ट, या फिर आप इसे पोस्ट ऑफिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिख रहा है डन, यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब आओगे आप तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली कॉलम में रिजर्वेशन विल ओनली द एप्लीकेशन टू द कैंडिडेट ऑफ हरियाणा स्टेट हैविंग हरियाणा डोमिसाइल कैंडिडेट ऑफ द रिसीव्ड कैंडिडेट ऑफ द अदर स्टेट। तो आपको जो रिज्यूम मिलता है आपको, वो आपके जो है, जो अगर आप ऑल इंडिया की वैकेंसी है तो आपको सबको मिलेगा, नहीं तो आप स्टेट वाइज जो निकालोगे तो स्टेट वाइज जो निकलती है वैकेंसी वो सिर्फ स्टेट वालों को ही मिलती है इसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे आएगा, नीचे आने बाद यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोसेस सर्वर की जो वैकेंसी है वो आपकी हाई स्कूल से यहाँ पे है, देख सकते हैं, मैट्रिक विद वीक ऑफ द होप हिंदी और पंजाबी। ठीक है दोस्तों, भाषा प्योन की बात करें तो प्योन में जो आपकी निकाली गई है, कैंडिडेट वो द है मिडल ईस्टर्न द, इसमें दोस्तों आपका 8वीं पास यहाँ पे बोला गया, कैंडिडेट वो द है मिडल ईस्ट, तो इसका मतलब 8वीं पास, अगर आप 8वीं पास है तो इसका फॉर्म जरूर प्योन का भर सकते हैं आप। बाकी एज की बात करें तो यहाँ पे एज जो दे रखी है आपकी 18 साल से लेके 42 साल की एज दे रखी है, एज आपकी काउंटिंग 1/1/2023 के हिसाब से होने वाली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपका डेट ऑफ प्लेस ऑफ द इंटरव्यू तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों। जैसे आप नीचे आओगे ना, नीचे आने बाद यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है, यहाँ आपको यहाँ पे प्लेन पेपर में मेटिक द नेम पोस्ट अप्लाइड, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो, कंप्लीट फ्रॉर नेम फादर नेम हस्बैंड नेम डेट ऑफ जेंडर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपको मैंने शुरू में बताया था ना फॉर्म, जो बस जैसा जो भरा है उसी फॉर्म को यहाँ पे बताया गया है, नाम वगैरह आपको भरना है, उसके साथ में फोटो कॉपी आपको लगानी है अपने डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है दोस्तों, आपके जो है आधार कार्ड वगैरह, जाति वाति जो क्वालिफिकेशन है, ये सारा कुछ आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको भेजना कहाँ पे है समझ लीजिए दोस्तों आप, अब यहाँ पे समझेंगे आप दोस्तों, देख लिए फिर मत बोलना कि बताया नहीं दोस्तों आप। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको यहाँ पे भेजना है, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके, यहाँ से देखो, अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे यहाँ से लेके ऑफिस से लेके। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से लेके, यहाँ से लेके, यहाँ से लेके, यहाँ से, ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस एड्रेस पे आप भेज देना, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेलेक्शन जज क्वार्टर कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 करनाल। ठीक है दोस्तों, इस एड्रेस पे आपको भेजना है, वो भी किससे, रजिस्टर पोस्ट ऑफिस से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर पोस्ट ऑफिस से, 31/10/2000, 31/10/2023 से पहले पहले, शाम के 5 बजे से पहले पहले देख सकते हैं आप। एप्लीकेशन रिसीव द सेल नोट द। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे इन्होंने जो बोला गया है, जो आप यहाँ पे इस एड्रेस को लिखेंगे लिफाफे पे, तो यहाँ पे एक इन्होंने बोला गया है कि आप यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो जब आप एक लिफाफा लोगे ना ऊपर, जब आप इसका एड्रेस लिखोगे तो अलग से एक आपको जो है मतलब कि एक लिफाफा और भेजना है अलग से, उसी के साथ में जब आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तो उसी में आपको जो है वे भेज देंगे, कि स्टैम्प भी आपको लगाना है इसमें। बाकी से आप पढ़ लेना, नोटिफिकेशन को लिंक में डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पढ़ लेना और यहाँ पे इसे समझ लेना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस आज का वीडियो यही था कि मैं आपको बता पाऊँ जो आपका निकाला गया है दोस्तों यहाँ पे जिला अदालत करनाल भर्ती 2023 के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए,
और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कुछ पूछना हो इस वीडियो के बारे में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।